सक्ती जिले के छोटे सीपत गांव में एक चंगाई सभा में अंधविश्वास के चलते अमेराडीह गांव के संतराम सदार की मौत हो गई। चंगाई सभा में किडनी फेल मरीज की बीमारी दूर भगाने के लिए ईसाई मिशनरी का फॉर्मूला फेल साबित हुआ। दरअसल अमेराडीह गांव के संतराम सदार को बीमारी दूर करने के लिए चंगाई सभा में बुलाया गया, जहां उद्धार महोत्सव में उसकी मौत हो गई। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया, पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं इस मामले पर संयोगिता जूदेव ने कड़ी कार्रवाई की मांग प्रशासन से की है। के द्वारा पता पड़ा कि छोटे सीपत में चंगाई सभा आयोजित की गई थी और जिसमें एक व्यक्ति की जान गई है, तो अगर ऐसा हुआ है तो इस पे शासन प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की जान अगर चंगाई सभा में जा रही है, सबसे पहले तो ये चंगाई सभा आयोजित हो रही है, इसमें कोई रोक टोक क्यों नहीं हो रही है। कैलाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश, क्या कुछ एक्शन लिया गया चंगाई सभा में युवक की मौत पर? जी, अभी तक किसी तरह के एक्शन नहीं लिया गया है और बीजेपी के जो महिला संयुक्ता सिंह है, इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ में आसपास के क्षेत्र में इस तरह की चंगाई सभा को लेकर आक्रोश है और वो किडनी फेल पेशेंट को बहला फुसला कर झाड़ फूक के बहाने प्रार्थना कराए जा रहे थे, उसी दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि इस पर उसकी पत्नी का कहना है कि यह इलाज चल रहा था और इसी बीच इनकी मौत हुई है और चंगाई सभा में उसके लिए दुआ मांगा जा रहा था। जी कैलाश, जानकारी ये भी है कि किडनी फेल थी इस युवक की, अस्पताल के जगह ये चंगाई सभा में पहुंच गया। जी, यही एक अंधविश्वास को लेकर लगातार चर्चा पे है क्षेत्र में। मौत होने के बाद क्योंकि अस्पताल में जाना था, किडनी के मरीज थे वो, और इस दौरान वो चंगाई सभा में जाके एक चमत्कार की उम्मीद कर वहाँ इलाज के लिए प्रार्थना करा रहे थे, लेकिन वहीं पे उसकी मौत हो गई। ये बहुत बड़ी अंधविश्वास को बढ़ावा है इस तरह के, उसको अस्पताल जाने के बजाय वहाँ चंगाई सभा में शामिल होना ज्यादा मुनासिब समझा और इसी के दौरान वह अपने हाथ से जान धो बैठा। चलिए, धन्यवाद आपका कैलाश इस तमाम जानकारी के लिए। इधर कोयला घोटाले के आरोपों से घिरे छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। सुबह से छापे की कार्रवाई जारी है। इतना ही नहीं, अमरजीत भगत के जो करीबी हैं उनके ठिकानों पर भी आईटी की टीम पहुंची हुई है। रायपुर, बलरामपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, इन तमाम जगहों पर आईटी की टीम पहुंची है।